आज छोटे छोटे बच्चे से पूछो, छोटे छोटे बच्चे जो चौथी पांचवी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं प्रभु जी मेरा मन बहुत दुखी है। क्यों दुखे मन, क्यों दुखे है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। क्यों? सही बात है ना, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंच रही है, इसलिए क्या बोल रहे हो मेरा मन दुखी है। आप किसी से पूछो, सब कहेंगे मेरा मन दुखी है। तो हमारा मन दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि हमारा मन मलिन है। क्या है? हमारा मन जो है शुद्ध नहीं है। तो हम अगर अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक ये मन हमारे को चैन से जीने देगा। अरे भैया, हमने बड़े बड़े अरबपतियों घर में देखा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन रात को सोने को नींद नहीं मिलती, गोली खा के भी नींद नहीं आती अरबपति लोगों को। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, नींद भी नहीं मिलती। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है, यदि हमें मन की शांति चाहिए, यदि हमें अपने जीवन में सुख चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन में भक्ति को लाना पड़ेगा। भक्ति करने से क्या होता है? हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, हमारा मलिन हृदय क्या जाता है? शुद्ध हो जाता है। उसमें कालस है, पाप है, और ये हृदय शुद्ध करने के लिए ही हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है। और जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमें आत्मा का सुख मिलेगा। कौन सुख मिलेगा? अभी तो हमें तो विषय का सुख है, धन मिल गया तो हम हंस रहे हैं, धन चला गया तो रो रहे हैं, स्वजन मिल गया तो हम हंस रहे हैं, स्वजन चला गया तो चल रो रहे हैं, पद मिल गया तो खुश हैं और पद चला गया तो रो रहे हैं, बोली हरे कृष्णा है, जवानी मिल गई तो हंस रहे हैं, हाँ बुढ़ापा आ गया तो माथा पीट के रो रहे हैं हरे कृष्णा, कुछ अच्छी चीज़ खाने को मिल गई तो क्या हुआ है, बड़ा अच्छा है, खुश हो गए, कोई खराब मिल गई, अरे क्या हो गया, हाँ तो भोजन बेकार हो गया, बोली हरी कृष्ण, हाँ दिन बेकार हो गया। ये संसार का जो विशेष सुख है कुछ समय के लिए है, एटर्नल नहीं है। लेकिन भगवान शिवदेव जी बोलते हैं, जिसको जिसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगा, जिसका मन शुद्ध हो जाएगा, जिसको आत्मा का सुख मिलेगा, हे मेरे पुत्रों, वो सुख कभी एंड नहीं होगा, वो सुख बढ़ता ही चला जाएगा। भक्ति के सुख का, आत्मा के सुख का कोई एंड होता ही नहीं। और उस अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए ही क्या मिला है? ये मनुष्य योनि मिली है। और वो अनंत सुख कैसे मिलेगा? भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। और कलयुग में वो भक्ति करना अन्य युगों की अपेक्षा बड़े आसान है। कोई पद छोड़ने की जरूरत नहीं भैया, हरे कृष्णा वाले ये कहने ही कहते किसी को कि भैया तुम हमारे पास आ जाओ अपना कारोबार छोड़ के। हमने कभी किसी को बोलते हैं अपने माता पिता को छोड़ के आ जाओ? जो आते हैं अपने आप आते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करते। इस्कॉन का ये प्रचार नहीं है कि भाई तुम भक्ति करने के लिए अपना पद छोड़ो, अपना कारोबार छोड़ो, अपना पैसे छोड़ो, अपना माता पिता छोड़ो, ऐसा हमारा कोई प्रचार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का तो प्रचार सिंपल सा है, क्या है? घर में रहो। जब कुर्मा ब्राह्मण भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में स्वागत करता बुला करके, तो उनका प्रवचन सुन करके कहता, प्रभु मुझे मालूम हो गया कि बिना साधु की सेवा किए मैं भगवान मिलने वाले नहीं है, अब मैं आपके साथ चलूंगा, जहाँ भी चलोगे मैं चलूँगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बोले, अरे तुम तो गृहस्थी हो, तुम्हारे पत्नियाँ हैं, तुम्हारे बेटे बेटियाँ हैं, तुम मेरे साथ क्या करोगे? नहीं नहीं मैं तो आपके साथ चलूँगा। भगवान बोले, नहीं तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊँगा, तुम अपने घर पर रहो। हाँ मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ जिसमें अपने परिवार में रहते, अपने घर बार में, अपने काम करते हुए तुम्हें मेरी शक्ति का लाभ मिलेगा। और तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कुर्मा ब्राह्मण को बताया कि तुम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम इस 16 नामों वाले 32 अक्षर वाले महामंत्र का जाप करो, और क्या करो? भक्तों का संग करो, और साथ में क्या करो? गीता भागवत का अध्ययन करो, और साथ में भगवान की कोई चित्रपट या विग्रह ले गए उनकी सेवा करो अपने घर में, और साथ में है धाम का वास करो। आप तो कुछ तो धाम है ही है, इसमें तो आपको कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जिन जो धाम में नहीं रहते हैं वो भी क्या करते हैं? अपने घर को धाम बना सकते हैं, जहाँ भगवान का नाम होता है स्थान धाम बन जाता है। क्या बोला? जिस स्थान पर भगवान का गुणगान होता है वो क्या बन जाता है? बोलो, वो स्थान अपने आप में धाम हो जाता है। धाम के लिए भी कहीं धाम जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर को धाम बना लो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।